अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। आज हमारा टॉपिक नाइन्थ इंग्लिश में से शॉर्ट स्टोरी ओल्ड मैन एट द ब्रिज। इसका राइटर है अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे। द राइटर इज एन अमेरिकन वाइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ही इज बॉर्न इन 1899 एंड वॉज एंड डाइड ऑन 1961। ही हैज रिटन मैनी शॉर्ट स्टोरीज। ही वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज इन 1954। सो this short story old man at the bridge, it is a war time poem। ये जो short story है, sorry poem नहीं, ये short story है, ये war time poem है, short story है। ये जंग के मुतलिक है कि इसमें हमें ये बताया जाता है कि यहाँ देखते हैं हम देखते हैं कि जंग की तबाहकारियाँ कितनी सख्त होती हैं, जंग की वजह से कितनी बर्बादियाँ होती हैं और लोगों को कितने मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों को अपने घरों से, अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ता है और जान बचाने के लिए उन्हें दूर दराज इलाकों का, दूर दराज स्ट्रेन जगहों में जाना पड़ता है। वहाँ इन्हें भूखे और प्यासे रहना पड़ता है और अपनी तमाम जायदाद को, ये अपने घरों को, अपनी जायदाद को, अपनी तमाम चीज़ों को ये छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए किधर किधर इन्हें जाना पड़ता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इस जंग की वजह से लोगों की ज़िंदगियां कितने मसाइब और मुश्किलात की शिकार हो जाती हैं। तो इसी सिलसिले की ये एक स्टोरी जो है एक ओल्ड मैन के मुतलिक है। इसमें दो करेक्टर्स हैं, एक एक सोल्जर है और दूसरा एक ओल्ड मैन है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, एक सोल्जर जंग के दौरान में एक सोल्जर को भेजा जाता है, इसको दुश्मन की खबरगिरी के लिए, दुश्मन की अगली चौकियों के बारे में भेजा जाता है कि ताकि आप देखें कि दुश्मन के हरकत और दुश्मन के ये जो एनिमी है, एनिमी के एडवांस के बारे में, उसके हालात के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। यानी दो दो पार्टीज के दरमियान, दो दो पार्टियां जो जंग में जो लड़ती हैं, को एक जो है, एक पार्टी जो है ये अपने एक सोल्जर को खुफिया तौर पर भेजती है कि ताकि दुश्मन की अगली चौकियों का पता चले कि ये जो दुश्मन के कार्रवाइयों के बारे में हमें आगाही मिल जाए। तो जब ये जाता है तो एक पुल के पास जब ये पहुंचता है, एक पुल होता है, एक ब्रिज होता है, ब्रिज के दूसरे साइड में दुश्मन की चौकियां होती हैं, दुश्मन के ये मतलब वो उसकी पोस्ट्स होते हैं। और वहाँ ये जब ये पहुँचता है कि उस शहर में ये देखता है कि गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक्स चलती हैं, बहुत से लोग कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ गाड़ियों में जा रहे हैं और एक मामूली सा ब्रिज है, उस ब्रिज को सपोर्ट किया गया है किश्तियों के जरिए से और वो एक आरजी पुल बनाया गया है, आरजी ब्रिज बनाया गया है ताकि इमरजेंसी में लोगों को एवैक्यूएट किया जाए, निकाला जाए ताकि इनको जानी नुकसान से बचाया जा सके। तो जब ये सोल्जर इस पुल के पास पहुंचता है, वहाँ ये सब लोगों को जाते हुए, गाड़ियों को भी देखता है, पैदल आदमियों को भी देखता है, औरतों को भी देखता है, बच्चों को भी देखता है, अपनी जान बचाने के लिए लोग जा रहे हैं, इनको निकाला जाता है शहर से क्योंकि दुश्मन का खतरा है कि क्योंकि फायर होने वाला है और लोगों को कहा जाता है कि आप अपनी जान बचाओ। तो
अब ये जब ये इस पुल के पास पहुंचता है, वहां एक एक बूढ़े आदमी को देखता है, एक ओल्ड मैन को देखता है। तो उसके चेहरे पर एक एक स्पेक्टेकल होती है, एक शीशा होता है, चश्मा उसने पहना होता है। तो उसके उसके बाल जो होते हैं गर्द आलूद होते हैं, और उसके कपड़े जो हैं वो गर्द आलूद हैं। और ये सोल्जर से कहता है कि आप इधर क्या करते हैं, कि सब लोग अपनी जान बचाने के लिए जा रहे हैं और आप क्यों इधर बैठा है। इधर दुश्मन का खतरा है, दुश्मन अगर फायरिंग हो जाएगी तो आपकी जान नहीं बच सकेगी। तो ये बूढ़ा आदमी जो जो 76 साल का होता है, और वह कहता है कि मुझे मुझे मैं सैन कार्लोस से आया हूँ। एक शहर है जो कैलिफोर्निया का एक शहर है, जिसको सैन कार्लोस कहते हैं। तो कहता है कि वहां मुझे निकाला गया है, कि मुझे यही बताया गया है कि आप यहाँ चले जाओ, क्योंकि दुश्मन का खतरा है, अपनी जान बचाने के लिए जाओ। और मैं 12 किलोमीटर पैदल आकर चला हूँ, और अब मुझे अब मैं आगे जाने की मुझ में कोई सकत नहीं है। मैं अब नहीं जा सकता हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं थक गया हूँ। तो इस सॉलिटर ने इसे कहा कि आप इधर बैठकर क्या कर रहे हैं। तो इस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं जो हूँ, मैं सबसे आखिर में मैं अपने शहर से निकला हूँ। मेरी फैमिली जो है, मेरे पास 2 गोट्स हैं और एक 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 बिल्ली है, एक कैट है मेरे पास, और 4 प्योर सा पिजन्स हैं। ये मेरी पूरी फैमिली है, यही मेरा मेरी प्रॉपर्टी है, यही मेरा असासा है, और मैं इनको अपनी फैमिली समझता हूँ। मैं मुझ में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मैं इनकी खबरगिरी करता हूँ, मैं इनको पालता हूँ। तो इसीलिए मैं इन ये मेरे साथ इधर हैं, मैं इनकी नजरगुजर रखता हूँ। तो यही यही मेरी प्रॉपर्टी है। तो ये सोल्जर कहता है कि ये बूढ़े आदमी की तरफ जब मैंने देखा, कि मुझे नहीं लगा, ये शफोट भी नहीं लगा, और न तो ये मुझे हर्ट्स में लगा, यानी न तो मुझे ऐसा लगा कि ये शीप को टेंड कर रहा है, पाल रहा है, या ये तो इन कैटल को पाल रहा है। तो ऐसा इसके चेहरे से नहीं लगता था। लेकिन इस बूढ़े आदमी ने कहा कि आप यकीन मानिए कि मेरे पास जो है, ये मेरी फैमिली है, ये दो गोट्स हैं, एक कैट है, और 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स हैं। ये मेरी प्रॉपर्टी है, इनकी खबरगिरी के लिए ये मैं साथ लेकर आया हूँ। तो अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इनकी खबरगिरी के लिए यहाँ हूँ, और अब मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ। तो सोलिटर ने ऐसे कहा कि यहाँ आपकी खैर नहीं, यहाँ किसी भी वक्त में दुश्मन की तरफ से हमला हो सकता है, और आर्टिलरी फायर भी हो सकता है, और बड़ी बड़ी तोपें भी चलने का इम्कान है, इसलिए आप अपनी जान बचाने के लिए आप जाइए। तो ये बूढ़ा बेचारा परेशान होता है, अब ये खौफ के मारे उठना चाहता है। तो जब ये उठता है, तो लेकिन ये लड़खड़ाता है, ये चल नहीं सकता है, और ये फिर इस गर्द गुबार में, इस डस्ट में गिर जाता है, और फिर ये बैठ जाता है, और अब जाने की इसमें सकत नहीं है। तो फिर बैठकर ये अब इसको बार्सिलोना की तरफ जाना था, लेकिन ये बेचारा उठ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है। अब ये सोचता है कि अब तो क्या बनेगा, मैं अपने इन जानवरों को क्या करूंगा, मैं अपने इन ये जो मेरे पास ये जानवर हैं इनको मैं क्या करूंगा। तो अब ये सोचता है कि ये जो कैट मेरा है, ये कैट जो है ये अपने आप को तो बचा सकती है, ये तो किसी न किसी जगह अपनी जान बचा सकती है, लेकिन मेरे ये गोट्स जो हैं, ये 2 गोट्स जो हैं, इनका क्या बनेगा, और ये जो मेरे ये पिजन्स हैं तो इनका क्या बनेगा। तो अब सॉलिटर इसे मशवरा देता है कि आप एक काम करो, आप अपना ये जो इसका केज है, इन पिजनों का जो केज है, इसको अनलॉक करो, इसको खोल रखो, ताकि ये पिजन भी भागें, ये भी चलें, और ये जो और अपने आप को ये कहीं बचा सकें। लेकिन बूढ़े बूढ़े आदमी को ये यकीन नहीं आता है, और ये अनलॉक करता है पिजनों के इस गेट को, लेकिन फिर सोचता है कि अब ये जो है, ये कैट तो अपनी अपना बचाव तो कर सकती है, लेकिन बाकी जानवरों की जो मुझे फिक्र है, ये मुझे बहुत परेशानी सता रही है। तो इस स्टोरी में हमें यह पता चलता है
कि यहाँ हमें यही मिलता, यही इशारा मिलता है कि कैसे आम लोगों की जिंदगी जंग की वजह से मुतासिर होती है, कैसे आम लोगों को कितनी परेशानियों का शिकार होना पड़ता है जंग की तबाहकारियों की वजह से, कि लोगों को कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है भूख के प्यासे, इन्हें दूर दराज और ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है जहाँ इन बेचारों को कोई सहूलियत नहीं होती है। तो इसलिए ये जंग की तबाहकारी के बारे में ये जो ये स्टोरी है कि ये जंग की तबाहकारियाँ जो हैं ये कितनी तबाहकुन होती हैं। तो अब जो यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, हम इन वर्ड्स की तरफ देखकर थोड़ा इन पर थोड़ा गौर करें कि एक है पैंटून। पैंटून का मतलब है वो ये पुल जो था, ये ब्रिज जो था जहाँ से कार्स जा रही थी, ट्रक्स जा रही थी, गाड़ियाँ जा रही थी और लोग भी चढ़ रहे थे। तो यहाँ ये आर्जी तौर या हंगामी तौर से एमरजेंसी एक टेम्पररी ब्रिज था ये, और इस पर नीचे से इसको फ्लैट बॉटम बोट्स जो होते हैं और इस बोटों के जरिए से इनको सहारा दिया गया था ताकि ये लोग चलें, और जब लोग इन पर चलते थे वो स्टेगर कर रहे थे, यानी इन्हें इन्हें वो लड़खड़ाते थे इन पर चलते चलते, क्योंकि ये हंगामी तौर पर एक पुल बनाया गया था ताकि शहर को एवैक्यूएट किया जाए, शहर से बस्ती को खाली करा जाए ताकि दुश्मन का हमले की वजह से लोगों का नुकसान हो। तो ये पैंटून जो है ये फ्लैट बॉटम बोट को हम बोलते हैं, और जिनके जरिए से लोगों को ये रिवर जो है ये इब्रो रिवर जो है, रिवर इब्रो अफ्रीकन एक रिवर है, फेमस रिवर, उसको इब्रो हम बोलते हैं। तो उसी रिवर पर ये ब्रिज बनाया गया था और लोगों को एमरजेंसी तौर पर निकाला जा रहा था। ब्रिज हेड का मतलब है ये जो था, ये सोल्जर जो था इसको अपने अपने ऑफिसर की तरफ से भेजा गया था कि ऑफ अगले चौकियों दुश्मन की, यानी डिफेंसिव एरिया, जो दुश्मन का जो डिफेंसिव एरिया इस ब्रिज के दूसरे साइड में है, उस उनकी सरगर्मी का, उनके उन, उन, उनके हालात का आप पता लाओ ताकि दुश्मन किस हद तक एडवांस कर रहा है, और हमें जो थोड़ा इनके बारे में इनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो किस कहां तक यानी वो कहां तक हमले की तैयारी कर रहे हैं ताकि दुश्मन के बारे में हमें आगाही मिल जाए। तो ब्रिज हेड का मतलब है अगली चौकियां, दुश्मन की चौकियां, जहां दुश्मन ने अपने आप को दूसरे साइड में ये जो एस्टैब्लिश किया हुआ है। शेपर्ड हम बोलते हैं उस आदमी को जो अपने गोट्स और शीप को टेंड करे, ये एक ऐसा आदमी जो अपने गोट्स और शीप्स को रियर करता है, इनको मतलब पास्चर में लेकर इनकी देखभाल करता है, तो उसको हम बोलते हैं ए पर्सन हु टेंड शीप, उसको हम शेपर्ड बोलते हैं। तो फिर आर्टिलरी हम उन मतलब जंगी हथियारों को कहते हैं जिनको एक आदमी नहीं उठा सकता है बल्कि कई आदमी इस जंगी हथियार को उठाते हैं। तो जैसे कैनन होते हैं, तोहफे होती हैं, बड़े बड़े मोर्टर होते हैं, मशीन गने होते हैं, तो ये जो हैं ये आर्टिलरी यानी जंगी साधु सामान, लार्ज कैनन लाइक वेपन्स ऑपरेटेड बाई मोर देन वन पर्सन, यानी ये एक आदमी आर्टिलरी में एक आदमी जाता है बल्कि ये एक ग्रुप होता है, ये एक मतलब फौजों का एक दस्ता होता है जो ये सामान लेकर चलते हैं और फिर दुश्मन पर ये वार करते हैं। इब्रो डेल्टा, इब्रो रिवर है, अफ्रीकन रिवर है, डेल्टा हम बोलते हैं कि जब दरियाओ प्लेन में पहुंचता है, फिर जो सेडिमेंट्स इसके होते हैं वो सेडिमेंट्स रिवर का ये फ्लो जो है ये कमजोर पड़ता है, तो फिर इसके सेडिमेंट्स आगे आकर पानी कहीं इधर से जाता है, कहीं इधर से जाता है, तो इसको हम ये ट्रेंगुलर शेप जो बनती है इसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो इब्रो डेल्टा जो है ये जो अफ्रीकन रिवर है उसी के डेल्टा के पास जो है वहां ये मतलब ये ब्रिज बना हुआ था जहां से लोग बार्सिलोना की तरफ जा रहे थे। सैन कार्लोस जो है ये एक सिटी है कैलिफोर्निया यूएसए में। तो इसी तरह बार्सिलोना से लोगों को एवैक्यूएट किया जाता था, वहां से लोगों को निकाला गया था ताकि दुश्मन के हमले से लोगों को बचाया जा सके, जानी नुकसान से बचाया जा सके। बार्सिलोना ये एक सिटी है स्पेन में, स्पेन की एक स्टेट की ये कैपिटल है, तो उसी को हम बोलते हैं बार्सिलोना।
तो ये इस लेसन के बारे में था कि ये ओल्ड मैन एट द ब्रिज कि किस तरह से जंग की तबाहकारियां जो हैं ये कितना इंसान एक आम आदमी के लिए भी ये किस तरह परेशानी का बाइस बनती हैं, जिसको जंग के साथ कोई वास्ता नहीं होता है, जिसको इसके साथ कोई मतलब कोई कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन इसके बाद भी एक इनोसेंट लोगों को भी और बच्चों लोगों और औरतों को भी किस तरह मुश्किल और मसाइब का सामना करना पड़ता है जिनकी सूरत हाल में। तो ये इस लेसन के बारे में था ये शॉर्ट स्टोरी जो ओल्ड मैन एट द ब्रिज था। तो आज के लिए ये काफी है। अस्सलाम वालेकुम।